अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल लर्न हाउ टू डिजाइन एन आइसोलेटेड फुटिंग फॉर एनी कॉलम इन आवर प्रोजेक्ट। सो आज जो हमने पढ़ना है वो डिजाइनिंग ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग है। नेक्स्ट हम सारी फुटिंग के डिजाइन देखेंगे अगले लेक्चर्स में। तो आज आइसोलेटेड फुटिंग है जो हमारी बेसिक होती है बिल्कुल, जो एक कॉलम पे हम देखेंगे, किसी एक कॉलम पे हम देखेंगे कि उसका क्या प्रोसीजर होता है। वही प्रोसीजर आपने हर पूरे कॉलम के लिए अडॉप्ट करना है, यानी कि हर फुटिंग के लिए, हर कॉलम की फुटिंग होगी उसके लिए आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है, उसका वही प्रोसीजर होगा जो मैं आज एक कॉलम पे अप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है मेरे साथ, और हम जो हेल्प लेंगे वो इस सॉफ्टवेयर की लेंगे, स्टैट फाउंडेशन, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर बहुत हेल्पफुल रहता है फाउंडेशन से लिहाज से। तो स्टैट का जो है स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर के लिए हम स्टैट का इससे यूज नहीं करते कि वो एडवांस नहीं है, क्योंकि उसमें अपग्रेडेशन नहीं हुई, साथ साथ उसमें मैनुअल्स जो है वो बहुत पुराने हैं, तो वो अपग्रेड नहीं हुआ। लेकिन फाउंडेशन के लिहाज से ये बिल्कुल अपडेटेड है, ठीक है, और ये अपग्रेड है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल सेटिस्फाई होकर। फील्ड में ज़्यादातर स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है वो फाउंडेशन के लिए ये यूज़ करते हैं और ई टैब यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बीम वगैरह कॉलम के डिज़ाइन के लिए। तो फाउंडेशन के डिज़ाइन के लिए यही यूज़ होता है और ये सेटिस्फाई है इससे वो। अच्छा, इसमें आप हर किस्म की जनरल, कोई भी जनरल टाइप की भी फाउंडेशन बना सकते हैं। एक तो होती है ना कि आपने पढ़ी होती है कि आइसोलेटेड फुटिंग है, शेप पता होती है, डिफाइंड शेप होती है, कुछ होती है जनरल जो आप अपनी मर्जी से कोई शेप बताएंगे उसे, वो भी ये बना के देगा, ठीक है। जो आप सोच सकते हैं कोई फाउंडेशन वो भी ये आपको बना के दे सकता है। इसमें राफ्ट फुटिंग, स्टेप फुटिंग, पाइल फुटिंग जो आप कह सकते हैं, कंटिन्यूस फुटिंग, ये सारी राफ्ट वगैरह, ये पाइल फुटिंग सारी हम इसमें करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें होती है, तो इंशाल्लाह हम वन बाय वन चलेंगे। तो आज हमने आइसोलेटेड फुटिंग करना है, तो उसके लिए पहले इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप इससे बेंटली कंपनी है, ठीक है, उससे बाय भी कर सकते हैं अगर आपके पास इतने सोर्सेज हैं, इतने आप इनकम है आपकी अच्छी, तो आप खरीद सकते हैं। बाकी इसमें यह है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप इतना नहीं कमाते, तो फिर आप चाह सकते हैं कि आप यहाँ पर जाएँ, आप नेट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्रैक वर्जन में भी मिलता है और टोरेंट पे भी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसकी डाउनलोडिंग की वीडियो बनाई है, तो उम्मीद है वो पहुँच गई होगी यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पे दूसरी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, फिर उस हम देखते हैं। अब डाउनलोड मैंने कर लिया, तो इसको स्टार्ट करते हैं कि डिज़ाइनिंग इसमें कैसे करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपने मेरे साथ रहना। अच्छा, कुछ तस्वीरें थी मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखें, ये इसमें इस तरह की फुटिंग जो है, पाइल फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ये सारी इसमें ये डिज़ाइन करके देता है आप, ठीक है। और इसके बाद इसमें ना सिर्फ ये डिज़ाइन करके देता है, ठीक है, इस तरह की आपको डिटेल्स, ये जो है ये डिज़ाइनिंग के होते हैं कि फार्मूलाज के बॉटम में ये चाहिए, ये ना सिर्फ डिज़ाइन करके देता है आपको, बल्कि उसकी डिटेलिंग शीट्स जो है वो भी प्रोवाइड करता है। जिस तरह के आपने ई टैब में देखा कि वो डिटेलिंग शीट भी आपको मिल जाती हैं ईजिली, ऑटो कैड में आप इसको एक्सपोर्ट करके आप प्रिंट आउट कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह के इसकी डिटेल शीट मिल जाती है इसको, प्रॉपर हर एक फाउंडेशन की, एक्सकेवेशन प्लान मिल जाता है आपको, प्रॉपर रीइंफोर्समेंट प्लान मिल जाता है, सारा हर किस्म का प्लान आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये काफ़ी फास्ट है, तो इसलिए यही यूज़ किया जाता है फील्ड में। तो उसके लिए पहले आपने न्यू फाइल पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर न्यू फाइल के बाद आपने आगे इसको फर्दर लेके जाना है। आप एक कॉलम का हम देखेंगे आई डिज़ाइन, ठीक है, आप इसमें कोई इशू आ रहा है आप यहाँ से जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं। न्यू पे क्लिक करें, तो इसमें जनरल सेटअप में आपने जाना है, क्योंकि आप जनरल जो है वो फाउंडेशन डिजाइन कर रहे हैं, सिंपल सी है, तो जनरल में आ जाती है ये कैटेगरी में। अब ये आपके पास लेआउट है, आप इसमें फुटिंग दे सकते हैं, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, जो आपने फुटिंग बनानी है, ठीक है, आपने उस फुटिंग को यहाँ पे कहीं पे उसकी फुटिंग को लोकेशन दे देनी है कि मैं ये फलां जगह पे ये फुटिंग लाई करती है, ठीक है, उसका ओरिजिन से क्या फासला है और उसकी क्या डायमेंशन है, उसकी डायमेंशन दे देनी है और सॉइल की डेप्थ दे देनी है। तो सारे पैरामीटर देने के बाद आप इसको डिज़ाइन करेंगे, और इनके साथ साथ आपने इन पे लोड भी अप्लाई करना है, जो उस कॉलम पे, जो उस फुटिंग पे आपका अपकमिंग लोड है
वो भी आपने पुट करना है। तो डायमेंशन वगैरह तो आपको मिल जाएंगी क्योंकि आपने खुद ई टैब में अगर पुट किए हैं वैल्यूज, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और लोड क्या है, लोड भी आपको एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है हर फुटिंग पे, जिस फुटिंग का आप कर रहे हैं उसका आप लोड देख लेंगे कि डिजाइन उस पर क्या रिएक्शन आ रहे हैं, वो रिएक्शन आप यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे फाउंडेशन प्लान को इसको एक्सपेंड करें, यहाँ पे कॉलम पोजीशन पे क्लिक करें। तो अब कॉलम पहले आपने बनाना है यहाँ पे, ठीक है, आपने कॉलम बनाना है, उसको ओरिजिन पे रख लेते हैं हम, जीरो, वाई में भी जीरो, ठीक है, और जी में भी जीरो, ठीक है, एंटर कर दें, ये आपका एक कॉलम बन के आ गया। देख सकते हैं काफी साइज इसका छोटा है, आप चाहें तो साइज इसका बढ़ा भी सकते हैं, यूनिट वगैरह सेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे टूल में आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये है कि ये आप कॉलम बन गया, ठीक है, ये आपका जीरो जीरो लोकेशन है जिस पे बना है। अब आपने क्या करना है, आपने कौन सा कॉलम बनाना है वो आप देख लें, स्ट्रक्चर खोल लेते हैं जो एनालाइज हुआ पड़ा होगा। हाँ जी, देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर मेरा एनालाइज हुआ पड़ा है, ठीक है, मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ अभी फिलहाल। तो आप यहाँ पे जो कॉलम है, फर्ज करें मैं ये वाला कॉलम जो है, ये पहला पहला ये जीरो जीरो पे, ठीक है, ये वाला इसकी फुटिंग डिजाइन कर रहा हूँ सिर्फ अभी, ठीक है, बाकियों की नहीं कर रहा। तो इसकी इस कॉलम को सिलेक्ट करें और इसकी प्रॉपर्टीज देखें आप कि कॉलम जो है इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो इसकी सेक्शन 9 इंच बाय 18 इंच है, ठीक है, 18 इंच इसकी डेप्थ है और 9 इंच क्या है इसका आप कह सकते हैं इसकी विड्थ है। तो आपने यही कॉलम की जो है विड्थ डायमेंशन है वहाँ पुट करनी है, इसको चलिए पुट करते हैं। अब इसमें आपने ये कॉलम तो बना लिया, ठीक है, कॉलम बनाने के बाद इसकी डायमेंशन देनी लाजमी है। तो कॉलम डायमेंशन पे जाएंगे और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये क्लियर लग रहा है। अब रेक्टेंगुलर कॉलम है, हाँ जी रेक्टेंगुलर है, और इसमें कॉलम की लेंथ जो है वो इंचज में आपको यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, तो ठीक है इंचज में ही चाहिए हमें, यहाँ पे 9 इंच करेंगे इसको हम कॉलम की लेंथ को, और इसकी कॉलम की जो लेंथ होगी वो हम रखेंगे 9 इंचेस और 18 इंचेस, 18 इंचेस आ जाएगा और यहाँ पे विड्थ जो है इसकी 9 इंचेस आ गए। अब इसमें बाकी जो है ये आपको इसकी बहुत इस पर बॉदर करने की जरूरत नहीं है, ये आपको काम की चीज़ नहीं है, ये डिज़ाइन के वक्त खुद करेगा ये। तो ये चीज़ आपने बस यहाँ प्रोवाइड करनी थी, इसकी डायमेंशन आ गई इसके पास, ठीक है, अब ये एंटर दबा दें, हो गया। अब आप चाहें तो यूनिट अगर चेंज करना चाहें तो यूनिट का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हाँ जी, ये यूनिट आप चाहे लेंथ के आप चेंज करना चाहें, फोर्थ के, कोई भी यूनिट आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं यहाँ से, कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इसी कॉलम दे दिया, ठीक है, कॉलम की डायमेंशन दे दी, दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ की आपने अब इस पर लोड, अपकमिंग लोड है वो बनाना है। अब इस पर कितने लोड आ रहे हैं, आपको पता है ई टाइम में हमने कितने लोड किए थे, हमारे पास टोटल जो लोड आ रहे थे वो ये हमारे टोटल लोड जो थे वो कितने थे, हमारे डेड था अर्थक्विक पॉजिटिव एक्स में, अर्थक्विक पॉजिटिव वाई में, और लाइव लोड और विंड एक्स में और विंड नेगेटिव में, ठीक है। आपने ये सारे लोड इसमें पहले डिफाइन करने हैं, फिर उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर फाउंडेशन पे चले जाते हैं और इसमें यहाँ पे लोड फैक्टर को ओपन करके इसमें क्रिएट न्यू लोड केसेस पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इसमें आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें, इसको क्लिक करें, आप यहाँ पे इसको इधर से भी डाउन कर लें ताकि क्लियर नजर आ सके, ठीक हो गया। अब इसके ये चीज़ है इसमें यहाँ ले आते हैं। अब इसमें क्या है, आपने लोड ये ऐड तो कर दिया आपने, इसको अभी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट करें और इसको डिलीट करें, ठीक है, डिलीट हो गया। अब आपने जो यहाँ पे पहले आपने यहाँ पे डेड लोड ऐड करना है, ठीक है, ये सारे प्राइमरी लोड हैं, केस टाइप हैं, डेड लोड आ गया आपका, ठीक है, लोडिंग टाइप डेड होगी, ओके कर दें। अब इसमें वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, ये याद रखें, ऐड हो गया डेड लोड, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे लिखें आप लाइव लोड ऐड, और ये इसकी टाइप जो है वो लाइव होनी चाहिए, ठीक हो गया, ठीक है, लाइव लोड आ गया। इसी तरह आपका यहाँ पे
डेड लोड जो है वो भी ऐड किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेड भी मैंने ऐड कर दिया, नेगेटिव में ये हो रहा है, इसके ऊपर डेड होगा ये और इस पर ऐड। इसी तरह यहाँ पे जो बाकी सारे हैं वो लोड मैं यहाँ पे ऐड करता जाता हूँ, उनके नाम लिख के, ठीक है। मैं टोटल ऐड कर लेता हूँ, पहले मैं सिर्फ ऐड करूँगा, देन मैं उसकी वैल्यूज पुट करूँगा। अब एक चीज़ यहाँ पे बताने वाली है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो विंड की जो फोर्सेस लगाई थी वो नेगेटिव वाई में थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक्स एक्सिस ये था और वाई एक्सिस जो था वो भी प्लेन के अंदर था, यानी कि 2D के अंदर एक्स और वाई लाई कर रहे हैं, जबकि वर्टिकल जो डायमेंशन एक्सिस है हमारे पास वो जेड होता था, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक्सिस का थोड़ा सा फर्क है, आप ये बात याद रखें, इसमें वाई की जगह पे एक्स जेड आ गया और जेड की जगह पे वाई आ गया, यानी कि ई टैब में जेड जो थी वो वर्टिकल डायमेंशन थी एक्सिस का, और जबकि यहाँ पे फाउंडेशन के अंदर जो वर्टिकल डायमेंशन है वाई ले रहे हैं एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें बस एक्सिस चेंज हो जाएंगे। अब इसमें आप जो विंड लोड नेगेटिव वाई में ले रहे थे वो यहाँ नेगेटिव जेड में लेंगे, ठीक हो गया। बस ये करना है आपने, तो यहाँ पे आप इसमें लिख दें विंड लोड नेगेटिव जेड, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे लोड ऐड हो चुके हैं। अब इन लोड ये खाली है बिल्कुल, ठीक है। इनको सिर्फ हमने बताया कि यहाँ पे ये डेड लोड है, ये विंड लोड है, बस इनमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के लिए आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम रिएक्शन लोड यहाँ पे ऐड करना है आपने, या पॉइंट लाइन लोड, या सर्कुलर लोड, रेक्टेंगुलर, या फिर कोई UDL वगैरह, ठीक है। तो सारे लोड आप कोई किस्म का भी लोड ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये तो आपको समझ लगे लोड कैसे ऐड करना है, लेकिन कौन सा वैल्यूज इसमें वैल्यूज कौन सी होंगी, डेड की कौन क्या होगी, विंड की क्या होगी, इस कॉलम के लिए जो आनी है, तो वो वैल्यूज हम देखते हैं ई टैब के जरिए कि इस कॉलम पे क्या रिएक्शन रिजल्ट आ रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसको एनालाइज दोबारा से करना है, रन एनालाइज करेंगे हम इसको स्ट्रक्चर को, तो ये हमें वैल्यूज मिल के आ गए। इसके लिए हम इसको एनालाइज कर देते हैं, पहले देख सकते हैं ये एनालाइज हमारा हो चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रिजल्ट्स देखने हैं, तो आप कई तरीकों से देख सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन चाहिए सिंपल, आप यहाँ पे मॉडल एक्सप्लोरर में टेबल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एनालाइज रिजल्ट पे आ जाएं, यहाँ पे आप आ जाएं, आपको ज्वाइंट आउटपुट मिलेंगे और यहाँ रिएक्शन पे आए तो ज्वाइंट डिजाइन रिएक्शन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पे क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा। डिजाइन रिएक्शन है, ठीक है, हर कॉलम के लिए। अब इसका पहले देख रहे हैं आप ये कॉलम जो है इसका क्या नाम है, ठीक है। आप देखें तो जॉइंट लेबल नंबर 8 है, ठीक है, 8 नंबर पे स्टोरी नंबर 1 पे है, ठीक है। इस कॉलम का जो नाम है वो हम देख रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू देख सकते हैं, स्पोर्ट पे जॉइन पर क्लिक करके यहाँ पे आप यहाँ रिएक्शन डिस्प्ले रिएक्शन, तो इसमें डेड के अगेंस्ट आप रिएक्शन देखना चाह रहे हैं, आप इसमें एफ वाई एफ एक्स की वैल्यू और इन तीनों की वैल्यूज आपको चाहिए। आपको एक्चुअली सिर्फ एक वैल्यू, इन ये जो बहुत माइनर वैल्यूज होती हैं एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है, आपको रिएक्शन में मेन जो है जेड चाहिए होती है, तो आप चाहें तो वो भी देख लें, अप्लाई कर देते हैं इसको। देख सकते हैं ये जो है इस जॉइंट पे, यानी कि इस कॉलम के जो एंड पे रिएक्शन आ रहे हैं वो ये हैं, तो आप इनको मैच कर लेंगे उसके साथ के डिज़ाइन रिएक्शन भी क्या है, इसी तरह डिज़ाइन रिएक्शन आप यहाँ पे ओपन करना है साथ। इसमें आपने वो कॉलम देखना है जो सा यहाँ पे ये वाला कॉलम है जो इसके, तो ये लेबल 8 में आता है, लेबल 8 पे चलते हैं, ये लेबल 8 में आ गए। लेबल 8 में जो भी है हमें डेड लोड के अगेंस्ट इसकी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो डेड लोड ये है, इसके अगेंस्ट आपको वैल्यूज एक्स और जो मिल रही हैं सारी वैल्यूज वो ये हैं, ठीक है।
इस पूरे को सिलेक्ट कर लें और इसकी वैल्यूज आप नोट डाउन कर लें क्या क्या है। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे क्लिक करें और कर्टल दबा के सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगी वैल्यू। तो ये कॉपी हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपने पुट कर ली है। सेट फाउंडेशन में जाते हैं, यहाँ पे तो हम यहाँ पे सेव कर लें। अब हमें डेड लोड ऐड करना है इस कॉलम के लिए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस पे जाके और कॉलम रिएक्शन लोड पे क्लिक करें और यहाँ पे एफ एस की जगह पे आप जाके पुट कर दें वैल्यूज। आप देख लें पहले यूनिट सेम है कि नहीं, अगर अदरवाइज यूनिट आप सेम कर रहे हैं। देखिए किप्स में है, हाँ जी बिल्कुल किप्स में ही है, तो ये ठीक है, आपकी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करें और यहाँ कर्टल दबा के वी दबाएंगे तो आपका ये पेस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट यूँ करते जाएं वन बाय वन, ठीक है। आपने सारी वैल्यूज यहाँ से उठानी है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू उठाएंगे, कर्टल दबा के सी दबाएंगे, कॉपी हो जाएगी और देन आपने यहाँ पे जाके इसकी, अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वाई जो है वो वाई की जो भी वैल्यू होगी ई टैप की, वो स्टैट में आके जेड की वैल्यू बन जाएगी, जेड एक्सिस की, ठीक है। तो एफ वाई की वैल्यू मैंने भी उठाई है वहाँ से, ठीक है, तो वो एफ जेड में आ जाएगी यहाँ पे इसकी, ठीक है। तो ये आपने एक्सिस का यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा, ये आपने याद रखना है। इसी तरह एफ जेड जो है कॉपी करें और एफ जेड जो है वो एफ वाई के में आ जाएगा इसके, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब इसमें आपने ये बात ध्यान कर, इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ वहाँ जो है ना वाई की वैल्यू यानी कि जेड की वैल्यू वो आपकी है नीचे से ऊपर आ रही है, रिएक्शन है, ठीक है। इस कॉलम का ओपोजिट रिएक्शन है, ठीक है, जो वो होना चाहिए, लेकिन हम तो एज अ लोड ले रहे हैं उन वैल्यूज को। तो लोड क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में होता है। तो इसकी ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मींस के ये अप डाउन से अप साइड पे जा रहा है, ठीक है, ये लोड। लेकिन हमें लोड में इसको कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट करने के लिए नेगेटिव को साइन जरूर लगाना है, याद रखना है, ठीक है, ये बात। अब ये आ गया आपका लोड आ गया। इसी तरह आपकी इंच में मूवमेंट्स भी पुट करें वन बाय वन देख के सारे, ठीक है। एक किप स्पीड में है तो आप इसके भी किप स्पीड में कर लें कन्वर्ट, यूनिट इसके सेट कर लें किप स्पीड में, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट करें, कॉपी पेस्ट करते जाएं और एक्स और वाई का आपने वाई और जेड का ध्यान रखना है कि ये इधर का जेड उधर का वाई होगा, इधर का वाई जो है उधर का जेड हो जाएगा, ठीक हो गया। ये मैं स्पीडली कर देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना।
इसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपनी जो है वो एक्सकेवेशन करवानी है, ठीक है। ये एक्सकेवेशन प्लान होता है आपको जो मिल गया है, कैलकुलेशन शीट भी मिल जाएगी, ग्राफ्स भी आपको मिल जाते हो, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर है। अब इसमें आपने सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑटो कैड में आप इसको कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेव ड्राइंग एज, इसमें ये देख सकते हैं ये ऑटो कैड में सेव हो रहा है। ऑटो कैड की फाइल में सेव करें इसको और ऑटो कैड में ओपन करना है, इजीली ये शीट आपको बन के इजीली मिल जाएगी। ये इस तरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्केल ड्राइंग भी आप इसकी जो है वो बन सकते हैं, डिटेल ड्राइंग भी है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आइसोलेटेड फुटिंग का डिज़ाइन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं हम कंबाइंड फुटिंग का डिज़ाइन के साथ, फिर हम इसकी राफ फुटिंग का डिज़ाइन भी देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।